नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता बिश्वो अधिकारी के मुताबिक इनमें से 34 मौतें काठमांडू घाटी में हुई है। 226 घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिकों को काम पर लगाया गया है, जो अब तक हजारों लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं। तेज बारिश की वजह से नेपाल में 44 जगहों पर हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं, इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। नेपाल के कई हिस्से शुक्रवार से हो रही बारिश से जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते आपदा अधिकारियों ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर भेजा दिया गया है।